और ये एक ताजा नतीजा इस वक्त हम दिखा रहे हैं वर्चुअल रियलिटी में, जो कि एक बॉक्सिंग विंग है जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी में आप नाचिटी न्यूज का ये नतीजा देख रहे हैं। और ये है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली का मुकम्मल नतीजा, जिसमें मियां जमशेदुद्दीन 60,643 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली 40,200 वोट लेकर हार चुके हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी पे आप नाचिटी न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त नौशहरा का ये मुकम्मल नतीजा देख रहे हैं, जो कि PK63 से है। और सूबाई असेंबली का ये हल्का, ये जो विंग में आप देख भी रहे हैं कि बॉक्सिंग विंग बना हुआ है, और इससे अंदाजा हो गया होगा आपको कि ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रही। बिल्कुल, PK63 नौशहरा का ये मुकम्मल नतीजा आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर मियां जमशेद जो है वो बाजी ले गए हैं, जीत गए हैं, और इख्तियार वली जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, वो हार चुके हैं। 40,200 वोट लिए हैं मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली ने और वो हार चुके हैं, जबकि PTI के मियां जमशेद बाजी ले गए हैं और 60,663 वोट उन्होंने हासिल किया है। जी हाँ, और इस वक्त बॉक्सिंग रिंग में भी देख रहे हैं, और इस तरह जितने भी हलकों के रिजल्ट्स आते रहेंगे नाचिटी न्यूज सबसे पहले आपको दिखाएगा, बताएगा, और आपकी आसानी के लिए आपको समझाएगा भी ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए। और जिस तरह से आप इस वक्त भी देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर दो हल्के जिसके बारे में हमने बताया, और अब है PK63 नौशहरा का ये हल्का है सूबाई असम्बली का, जिसमें मियां जमशेदुद्दीन जो 60,643 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, और इख्तियार वली जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और वो 40,200 वोट ले चुके हैं। तो वाज़े अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम ये सीट वही है, जिसमें 20,000 की लीड दिखाई दे रही है। सूबाई असम्बली का ये हल्का है और नौशहरा 3 कहलाता है।